गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड फाइन. स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास. आपकी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है. सो नाउ आज हम नया चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 6. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था लेसन नंबर 5, ऑल मूवमेंट इन अ शू. मीन्स और बूढ़ी औरत एक शू के अंदर रहती है. तो उसमें हमने अच्छे से कवर कर लिया था उसको. तो उसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चे शू में रहते हैं और ओल्ड वुमेन के साथ रहते हैं, है ना. तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. आज हमारा न्यू चैप्टर का नेम क्या है? द स्वीट होम, मतलब प्यारा घर. होम मीन्स क्या होता है? घर. जैसे कि आप अपनी पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये घर दिखाया है ना. किस कलर का है ये? रेड कलर का है. और विंडो कैसी है इसकी? ब्राउन है. तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. सभी अपनी बुक जल्दी से खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अच्छे से रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. वी ऑल लिव इन हाउसेस लाइक वाइज ध्रुव लिव्स इन अ बिग हाउस. क्या मीनिंग हुआ इसका? हम सभी घरों में रहते हैं. क्या होता है इसमें? हाउस मीन्स घर, और बहुत सारे हाउसेस घरों. हम सभी घरों में रहते हैं. हम सबके पास एक घर होता है ना रहने के लिए. तो हम इसमें यही कहा लिखा है, वी ऑल लिव इन हाउसेस, हम सभी घरों में रहते हैं. लाइक वाइज, इसी तरह ध्रुव लिव्स इन अ बिग हाउस. इसमें एक बच्चा होता है ध्रुव. वो अपने घर के बारे में बहुत सारी बातें बताता है कि मेरा घर कैसा है और उसमें क्या क्या होता है, किस कलर का है, क्या है. तो ये ध्रुव सारी बातें अपने घर की बता रहा है, अपने होम के बारे में बता रहा है. तो कह रहे हैं वी ऑल लिव इन हाउसेस, हम सभी घरों में रहते हैं. लाइक वाइज, इसी तरह ध्रुव लिव्स इन अ बिग हाउस. ध्रुव भी एक बड़े घर में रहता है. कैसे घर में रहता है ध्रुव? बिग हाउस में रहता है. ध्रुव लिव्स इन अ बिग हाउस, ध्रुव बड़े घर में रहता है. ही हैज अ लवली हाउस दैट हिज फादर हैज बिल्ट फॉर हिज फैमिली. फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार. ही हैज, उसके पास एक प्यारा घर है जिसे उसके पिता ने उसकी फैमिली के लिए बनाया है. किसने बनाया है वो घर? उसके पिता ने बनाया है. किसके लिए बनाया है? अपनी फैमिली के लिए. तो कह रहा है इसमें, ही हैज अ लवली हाउस, उसके पास एक बहुत प्यारा घर है जिसे उसके फादर ने उसकी फैमिली के लिए बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. इट इज पेंटेड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पेंटेड मीन्स होता है रंगा हुआ. रंगा हुआ मीन्स कलर. कैसा उसका, कैसा कलर है, कैसा पेंट हुआ है उसके घर में? इट इज पेंटेड इन रेड कलर. यह लाल रंग का रंगा हुआ है. कैसा रंगा हुआ है? लाल कलर का. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, किस कलर का है ये? कौन सा पेंट हो रहा है इस पर? रेड पेंट हो रहा है. द विंडोज, विंडोज किसको बोलते हैं? खिड़कियां. द विंडोज आर पेंटेड ब्राउन. खिड़कियां कैसी हैं? खिड़कियां कत्थई रंग की हैं. ओके. इन हिज हाउस देयर इन अ स्मॉल किचन गार्डन. उसके घर में, इन हिज हाउस, उसके घर में देयर इज अ स्मॉल किचन गार्डन. एक छोटा सा स्मॉल गार्डन है. स्मॉल किचन गार्डन है. क्या है? एक छोटा किचन गार्डन, बगीचा. एक छोटा बगीचा है उसका, छोटा किचन बगीचा है. ओके. किचन बगीचा मतलब वहां उसने बहुत सारी सब्जियां, उसके पिता ने वहां बहुत सारी गार्डन बना रखा है. वहां उसके पिता ने सब्जियां बो रखी हैं. तो छोटा सा गार्डन बना रखा है. कहां? घर में. घर के मतलब घर के बाहर. ओके. ही लव्स टू प्ले इन द गार्डन With his friend, वह अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलना पसंद करता है. ओके.
चलिए यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वी ऑल लिव इन हाउसेज, हम सभी घरों में रहते हैं। लाइक वाइज, इसी तरह ध्रुव लिव्स इन अ बिग हाउस, ध्रुव भी बड़े घर में रहता है। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा, और स्मॉल मीन्स छोटा। बिग हाउस, ही हैज अ लवली हाउस दैट हिज फादर हैज बिल्ट फॉर हिज फैमिली। उसके पास एक बहुत ही प्यारा, लवली, प्यारा, सुंदर खुद भी कह सकते हैं, बहुत ही प्यारा घर है जो उसके पिता ने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए बनाया है। ओके, इट इज पेंटेड इन रेड कलर, यह लाल रंग का रंगा हुआ है। कैसा कलर है, रेड। द विंडोज आर पेंटेड ब्राउन, विंडोज कैसी हैं, विंडोज खिड़कियां कत्थई रंग की हैं। इन हिज हाउस देयर इज अ स्मॉल किचन गार्डन, उसके घर में एक छोटा किचन गार्डन है। ही लव्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है। इन द गार्डन, बगीचे में। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये कौन है फ्रेंड्स, ये ध्रुव है और ये उसका होम है ना। ये तो उसका क्या है, होम है, जिसकी वो बातें बता रहा है। और ये कौन है, ये ध्रुव है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे रीड करते हैं। ध्रुव्स हाउस इज ब्यूटीफुली डिजाइन, ध्रुव का हाउस एक बहुत ही सुंदर आकार का बना हुआ है। ध्रुव का घर बहुत ही सुंदर आकार का बना हुआ है। ही कीप्स हिज पेट एट द बैक ऑफ हिज हाउस, वह अपने पालतू को, जानवर को, एट द बैक, पीछे की ओर ऑफ हिज हाउस रखता है। ही कीप्स, वह रखता है हिज पेट एट द बैक, अपने जानवर को, बैक ऑफ हिज हाउस, घर के पीछे। वह अपने जानवर को कहाँ रखता है, घर के पीछे रखता है। घर के पीछे उसने जगह बना रखी है, वो अपने वहां जानवर को, जैसे कि ये पप्पी है उसको वहां रखता है। ये तो जो पालतू होते हैं उसको बोलते हैं पैट एनिमल, तो इसका पालतू जानवर है, ये पालतू है, तो उसने कहाँ जगह बना रखी, उसे घर के अंदर नहीं रखता, वो कहाँ रखता है, बैक ऑफ हिज हाउस, घर के पीछे रखता। एवरी डे इन द मॉर्निंग, प्रत्येक दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह में, आ नंबर ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चिड़ियां कम आती हैं, एंड सिट, और बैठती हैं, इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में। गार्डन किसको बोलते हैं, बगीचा, है ना फ्रेंड्स। बगीचा, गार्डन मीन्स बगीचा। तो प्रत्येक दिन इन द मॉर्निंग, सुबह में, अ नंबर ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया कम मीन्स आना, आती है, एंड सिट, और बैठती है, इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में। His grandmother किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, दादी को, gives them bits of bread and grains, उसकी दादी माँ देती हैं उनको bits of bread and grains। क्या बोलते हैं ब्रेड को, तो ब्रेड ही बोलेंगे जो आप खाते भी सुबह ब्रेकफास्ट में, और ग्रेन्स बोलते हैं अनाज के दाने, अनाज होता है ना अनाज, वो, और bits बोलते हैं दाने। तो वो कौन देती है उनको, जब वो चिड़िया जो आती है गार्डन में और बैठती है, तो दादी माँ उनको क्या देती है, ब्रेड और ग्रेन देती है, मींस ब्रेड और ग्रेन, अनाज के टुकड़े, ब्रेड और अनाज के टुकड़े देती है खाने के लिए। किसको देती है, चिड़िया को, जो सुबह सुबह रोजाना गार्डन में आती है। आपने देखा होगा ना फूलों के पास, पेड़ों पर आती है ना चिड़िया, आती है ना पेड़ों पर चिड़िया खाने के लिए, कुछ ना कुछ अपना देखती है वो,
तो इसी तरह वो जब वो आती है रोजाना बगीचे में तो उसको ब्रेड और ग्रेन के बिट्स डालती है। बिट्स में तो होते हैं दाने छोटे छोटे। देखिए जैसे कि इनके हाथ में, दादी माँ के हाथ में दे रखा है, ये चिड़िया है, बर्ड्स है ना, ये सारी खा रही है। एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम His grandfather sits in the garden with his friends and enjoys tea with them. Every evening, प्रत्येक शाम his grandfather, उसके दादाजी sits, बैठते हैं in the garden, बगीचे में, with his friends, अपने दोस्तों के साथ, and enjoy, और enjoy करते, मजे करते हैं, टी उनके साथ चाय पीते हुए मजे करते हैं, विद देम उनके साथ। इसमें बताया है फ्रेंड्स कि प्रत्येक शाम दादाजी अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पीते हुए बहुत ही गार्डन में मजे करते हैं। जैसे दादी माँ है तो दादाजी क्या, दादाजी शाम में रोजाना क्या होता है, दादाजी के फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो सब क्या करते हैं, सब गार्डन में चाय पीते हैं साथ में और इंजॉय करते हैं, है ना। He loves his house. वो अपने घर को बहुत प्यार करता है। कौन? ध्रुव बता रहा है ना सारी बातें, तो ये कह रहा है कि he loves his house. वह घर को बहुत प्यार करता है, अपने घर को प्यार करता है। He loves his house. It's a sweet home. उसका घर एक sweet home है, खुशहाल घर है, बहुत ही sweet सा home है, बहुत प्यारा घर है। He lives in his, वह रहता है इन हिज हाउस, अपने घर में, विद के साथ, हिज ग्रैंडपेरेंट्स। ग्रैंडपेरेंट्स कौन होते हैं? दादाजी दादी जी, पेरेंट्स माता पिता, एंड और यंगर सिस्टर छोटी बहन। ही लिव्स इन हिज हाउस विद हिज ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर। वह घर में अपने दादाजी माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता है। दे कॉल इट स्वर्ग। वो क्या कहता है घर को? स्वर्ग के नाम से पुकारता है। वो कहता है कि मेरा घर एक स्वर्ग की तरह है, बहुत प्यारा है। तो वो कहता है दे कॉल इट स्वर्ग, एक स्वर्ग की तरह मेरा घर है, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ये कौन कह रहा है, कौन पुकारता है? ध्रुव। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से आज रीड करना है, वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए केयरफुली और जैसे अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से आज होमवर्क में इसकी रीडिंग करनी है और अच्छे से लर्न करना है इसके वर्ड्स मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।